हेलो गाइज, मेरा नाम है अंकित जोशी एंड स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, थोड़े दिन पहले मैंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये फ़ोटो पोस्ट की थी, तो अब मैं आपको इसकी ओरिजिनल फ़ोटो बताता हूँ। तो इसकी ओरिजिनल फ़ोटो ये है। तो आज की इसी वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि इसकी एडिटिंग और रिटचिंग मैंने कैसे की, इस फ़ोटो को मैंने कैसे एडिट किया, तो आपको सारा कुछ आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो। तो चलिए गाइस, आज की इस कमाल की वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह की आपको फ़ोटोज़ क्लिक करवानी है, आप कहीं भी बैठ के इस तरह की फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। अब इस तरह की फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए कि मेरे नीचे ये कुछ आ रहा है और इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करना आप सभी को आता ही होगा, अगर नहीं आता तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको बैकग्राउंड रिमूव करना आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड इसका रिमूव करना है आपको। सिंपली इस एम्प्टी लेयर को इसके पीछे लाना है एंड फोटो लेयर को सेलेक्ट करना है। फ़ोटो लेयर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इरेजर टूल पे जाना है एंड इसकी ब्रश की साइज़ को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, हार्डनेस को फुल, ओपेसिटी फुल, एंड कुछ इस तरीके से इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है आपको। सिंपली बस बैकग्राउंड को रिमूव करना है कुछ इस तरीके से, एंड जो मेरी बॉडी है उसको यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सब आप कर ही सकते हैं एंड इसको अगर ये गलती हो जाए तो इसको अंडू कर सकते हैं। तो सिंपली अगर ये मैं आपको बैकग्राउंड रिमूव करके बताऊँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो सिंपली इसको बैकग्राउंड रिमूव करके लाते हैं। सो गाइज, मैंने इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है, तो कुछ इस तरीके से आपको देखिए बिल्कुल परफेक्टली बैकग्राउंड रिमूव करना है। मैंने यहाँ से सब कुछ को हटा लिया, देखिए यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। सो कुछ इस तरीके से आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो अब अपन को करना है बैकग्राउंड ऐड। तो सबसे पहले ड्रॉ टूल में चलेंगे एंड यहाँ से इस लेयर्स वाले पैनल को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से प्लस वाले आइकन पे जाके एक एम्प्टी लेयर को क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद अब अपन को लेके आना है बैकग्राउंड, तो सिंपली सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ से बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। सो गाइस, कुछ इस तरीके का ये बैकग्राउंड है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से सिंपली जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से इसका रेशियो भी सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, एंड इस औरत को तो यहाँ से हटा देंगे इसको एंड यहाँ से इसको डन करते हैं। डन करने के बाद अब देख लीजिए यहाँ पर ये बैकग्राउंड आगे आया हुआ है, तो इसको पीछे ले जाने के लिए सिंपली इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको सबसे नीचे लेके आ जाएंगे इस तरीके से, तो ये पीछे चल जाएगा। अब इसको करना है अपन को बड़ा, तो यहाँ से सिंपली ट्रिपल पॉइंट पे जाएंगे एंड इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप इसको सिंपली ट्रांसफॉर्म कर लेना बिल्कुल परफेक्टली, तो अपनी बॉडी के इसको एकदम नीचे लेके आएंगे, तो ऐसा लगना चाहिए कि ये पीछे बैठा हुआ है एंड कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। तो एकदम परफेक्टली आपको ये डन करना है एंड इसको कर देंगे अपन यहाँ से डन। तो देखिए गाइस, यहाँ पर एकदम परफेक्ट अपना बैकग्राउंड लग चुका है एंड यहाँ पर देखिए अब नकली सा कुछ लग रहा है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट करनी है अपन को शेडोज़, यहाँ पर शेडोज़ बनानी है अपन को ब्लैक। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली लेयर्स वाले सेलेक्शन पर जाएंगे एंड यहाँ से एक एम्प्टी लेयर को क्रिएट कर लेंगे एंड इसका ब्लेंडिंग मोड कर लेंगे अपन ओवरले एंड यहाँ से ब्रश को सेलेक्ट करेंगे। ब्रश को सेलेक्ट करने के बाद इसकी साइज़ को आप कम कर लेना, ओपेसिटी बिल्कुल कम और हार्डनेस बिल्कुल कम, एंड उसके बाद यहाँ से ब्लैक कलर को सेलेक्ट करना है, यहाँ से ये ब्लैक कलर को सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ उस पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिएगा इस तरीके से यहाँ पर एक शेडोज़ क्रिएट हो जाएगी, इसका आप साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो मैं थोड़ी सी हार्डनेस को बढ़ा लेता हूँ एंड यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से इसका शेडोज़ आपको क्रिएट करनी है। तो ये मैं जल्दी से फटाक से शेडोज़ क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये शेडोज़ क्रिएट होने के बाद एकदम रियल लुक आपके फ़ोटो में आ जाएगा। थोड़ी सी शेडोज़ यहाँ भी क्रिएट कर लेंगे एंड उसके बाद थोड़ी सी शेडोज़ इधर भी क्रिएट कर लेंगे, थोड़ा सा ब्रश की साइज़ को ज़्यादा बड़ा कर लेंगे, ओपेसिटी को ज़्यादा एंड कुछ इस तरीके से इसकी शेडोज़ आपको बनानी है, तो एकदम रियल एंड थोड़ा सा यहाँ पर कर लेंगे। सो गाइज, अपना काम हो चुका है शेडोज़ का, तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का काम हो चुका। अब इसकी करनी है अपन को कलर ग्रेडिंग। तो कलर ग्रेडिंग के लिए मैंने लाइटरूम एप्लीकेशन का यूज़ किया है, तो सिंपली इसको लेके चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले इसको कर लेंगे यहाँ से सेव एंड अब लेके चलते हैं इसको लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो लाइटरूम का ये प्रीमियम वर्जन है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप इसको सिंपली फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।
तो अब चलते हैं अपनी फ़ोटो एडिटिंग की ओर। तो यहाँ से आपको सिंपली इस फ़ोटो को ऐड करना है, एंड यहाँ से सबसे पहला स्टेप जो आपका करना है इस फ़ोटो को रोटेट। तो रोटेट करने के लिए सिंपली क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाना है एंड इसको यहाँ से रोटेट कर लेना। एंड थोड़ी सी मुझे फ़ोटो की लेंथ ऊपर से ज़्यादा लग रही है तो इसको सिंपली क्रॉप करने के लिए यहाँ से कस्टम पे जाएंगे एंड इसको यहाँ से थोड़ा इतना क्रॉप कर लेंगे एंड इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप आपको करना है, मतलब सेकेंड स्टेप जो आपको करना है वो ये है, यहाँ से कलर्स वाले जो ये सन का साइन है उस पर जाना है एंड यहाँ से इसकी थोड़ी सी शेडोज़ को कम कर लेंगे अराउंड -14, थोड़ी सी हाइलाइट्स को कम करेंगे एंड थोड़े से वाइट्स को कम एंड थोड़ी ब्लैक्स को भी कम। एंड उसके बाद यहाँ से करेंगे कलर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ से करेंगे वाइब्रेंस को तेज, मतलब अराउंड 50-51 के अराउंड। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, जो कलर्स वाला ऑप्शन है इसमें जाना है एंड अपना जो स्किन का टोन रहता है ऑरेंज कलर उसको सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी थोड़ी सी ल्यूमिनेंस को बढ़ाएंगे कुछ 35 के अराउंड। देखिए अपनी फ़ोटो में काफ़ी अच्छी टोन आ चुकी है एंड इसको कर देंगे यहाँ से डन। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें जाना है एंड इसकी थोड़ी सी विग्नेट इफेक्ट को इसमें डालना है तो अराउंड -20-21 के आसपास। उसके बाद यहाँ पर आपको जो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है उसको सेलेक्टिव टूल का इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से प्लस वाले आइकन में जाना है एंड इसके स्क्वायर वाले सिलेक्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको लेके आना है एंड इसमें जो ये अब ऑप्शन जो आएंगे उसमें सिर्फ नीचे नीचे का हिस्से का कलर चेंज होंगे तो शेडोज़ को थोड़ा सा कम कर लेंगे। देखिए यहाँ से शेडो चेंज हो रही है तो इसको थोड़ा सा माइनस की ओर रखेंगे एंड थोड़े से वाइट्स को भी कम एंड थोड़ा सा ब्लैक्स को ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इतना कम कर लेंगे एंड इसको डन कर देंगे। तो सिंपली देखिए यहाँ से अपनी फ़ोटो एकदम रियलिस्टिक सी लग रही है तो फ़ोटो में काफ़ी नकलीपन से आपको लगेगा नहीं। एंड उसके बाद क्या करना है गाइस, उसके बाद यहाँ से जो नेक्स्ट ऑप्शन है शार्पनेस का इसको बढ़ा लेंगे थोड़ा सा इतना तो अपनी फ़ोटो देखिए काफ़ी शार्प हो जाएगी, एकदम क्लियर वो दिखेगी। तो और आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से एंड इसके बाद थोड़ी सी इसमें नॉइस रिडक्शन कर लेंगे। तो गाइस देखिए अपनी फ़ोटो एकदम रियलिस्टिक सी जो मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी सेम टू सेम एडिटिंग मैंने आपको करके बता दी। तो सिंपली अब इसको सेव करेंगे तो सेव करने के लिए सिंपली यहाँ से शेयर वाले बटन पे जाएंगे एंड इसको सेव टू डिवाइस कर लेंगे। लाइटरूम की सबसे खास बात यह है कि इसकी फ़ोटो क्वालिटी पर भी बिल्कुल लॉस नहीं आता, जैसे ही आपने फ़ोटो एडिट किया सेम टू सेम उसी क्वालिटी में आपको ये फ़ोटो एडिट करके देता है। तो देखिए गाइस अपनी फ़ोटो एकदम एडिटिंग हो चुकी है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये एडिटिंग आपको कैसी लगी, और साथ में अगर चैनल पे नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और गाइज अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और साथ में मेरा यूजर नेम भी आपको यहीं दिख रहा होगा, तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।